आपने मेरा इतनी मेहनत से बनाया हुआ खाना डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? इसलिए क्योंकि ये खाना बहुत ही बकवास था, बहुत गंदा था। अरे आंटी आप पैसे बताओ ना कितने हुए? पैसे तो सिर्फ 150 रुपए हुए। पकड़ो 20 रुपए। पर मेरे खाने के तो 150 रुपए हुए, मैंने बताया ना। आंटी जैसा ही आपका बकवास खाना है ना, आपको तो 20 रुपए भी नहीं मिलने चाहिए। चलो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे पैसे तो पूरे दे जाओ। शिट यार उनका मेल आया कि वीडियो कॉल पे रशियन में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो डील कैंसिल हो जाएगी। रशियन में कैसे बात करेंगे, मैं तो रशियन आती ही नहीं है। मैं आपकी कुछ मदद करूं? बुढ़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाके ना अपना ठेला संभालो, यहाँ लाखों की डील हो रही है, तुम हमारी क्या मदद करोगी? मैं रशियन में बात कर सकती हूँ। ओ हेलो, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें इंग्लिश भी बोलनी आती होगी, रशियन बोलनी आती है इसे। नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट में रशियन लैंग्वेज की प्रोफेसर थी। अगर आपको सच में रशियन आती है तो क्या आप मेरे ऑफिस की मेंबर बन के क्लाइंट से बात करेंगी? हाँ मैं कर सकती हूँ, बस आप मुझे इशारों में बताते जाना कि क्या कहना है और मैं उन्हें ट्रांसलेट कर दूँगी। प्रिव्यत काकावास्तवा, आप इनको बोलिए कि परसों तक हो जाएगा, परसों तक सारा काम हो जाएगा। जल्दी 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 हो जाएगा, हाँ हाँ सब हो जाएगा। लीजिए आपके डील क्लोज हो गए। यार आई कांट बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आप तो कितने वेल एजुकेटेड है और मैं आपको पता नहीं क्या क्या समझ रहा था। आपने तो मेरी इतनी बड़ी डील डन कर दी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने उस दिन आपके साथ कितनी बदतमीजी की, आपको कितना भला बुरा का। आप चाहती तो हमारी मदद ना करके हमारा नुकसान भी करवा सकती थी, लेकिन आप नहीं जानती है कि ये डील हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और आपने डील फाइनल करवा दी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बेटा एक दूसरे के काम आना ही सबसे बड़ा कर्म है, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना तो पुण्य प्राप्त होता है। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी रोड साइड वेंडर को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसे कभी बुरा भला मत कहना, बट अगर उसे कुछ बोल भी दो तो एटलीस्ट खाने का अनादर मत करना, क्योंकि खाना बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, प्लीज मैं माफ कर दीजिए। किसी के हालात देखकर उसकी इंटेलिजेंस को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस दिमाग से होती है, काम से नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।